बुलेरो व बलेनो वाहन में लाखों की अवैध शराब परिवहन होते ग्रामीणों ने पकड़ी। 40 पेटी के करीब थी शराब। शराब माफियाओं ने ग्रामीणों को दी मारने की धमकी। ठीकरी थाना अंतर्गत ग्राम वरु फाटक के निकट दो वाहनों से 40 पेटी शराब ग्रामीणों ने पकड़ पुलिस के हवाले की। बताया जा रहा है शराब भरी बोलेरो वाहन का टायर फटने से अन्य साथ में चल रही बलेनो कार से माल ट्रांसफर कर दूसरे स्थानों पर भेजा गया। वहीं ग्रामीणों ने शराब परिवहन को रोकने पर ग्रामीणों को मारने व जाति सूचक शब्दों का उपयोग कर डराने का प्रयास किया। आचार संहिता के चलते इतनी अधिक मात्रा में शराब के अवैध परिवहन ग्रामीणों के द्वारा पकड़ना अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। वहीं वाहन पकड़ने के बाद मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ लग गई। वहीं ग्रामीण विक्रम चौहान ने बताया कि पुलिस की देरी के चलते मौके से शराब माफिया भाग खड़े हुए। 39 पेटी पूरा माल था बोलेरो गाड़ी में और एक बोलेरो गाड़ी में माल क्रॉसिंग कर रहा था। फिर हम वहाँ पे रोका तो उन्होंने हमारे साथ जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया और मारने की कोशिश करी हमको। फिर भी हम वहाँ पे रोके उनको और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर कब पहुँची थी और क्या कार्रवाई हुई? पुलिस एक घंटे फोन लगाने के बाद एक घंटे बाद पहुँची है और अभी कार्रवाई चल रही है। वो बोलेरो गाड़ी में माल था उसकी कार्रवाई कर रहे हैं और जो बोलेरो गाड़ी में क्रॉसिंग किया हुआ माल उसकी कार्रवाई नहीं कर रही। किस लोकेशन पे था ये? एक भलाने फाटा से 1 किलोमीटर इधर पीछे। वही मायाराम पुनिया ने बताया कि शराब माफियाओं ने हमें मारने की धमकी दी है। हम वहाँ ढाबे पे खड़े थे और वहाँ पे एक गाड़ी वाला आया मोटरसाइकिल लेके। उन्हें पूछा हमको पाने दो करके, तो हमने पाना नहीं दिया, एस्टिमेट लिया। तो उन्हें बोला कि हम बनारस से करके धमकी दे के गए कि तुमको हम देख लेंगे करके। वो जगदीश भाई के ढाबे के थे बिहारी के पास में, उन्हें ये बोला। तो हमने सोचा कि यार नहीं पाना देंगे तो ये ऐसे बोल रहा है, तो हम लोग कौन सी गाड़ी करके हमने देखने गए तो उसमें शराब भरी हुई थी फुल। उसको देखने राउंड लगा के वापस गए और बुलाया सबको। बात हुई तो कि ये पिक्चर चल रही उसमें बहुत बड़ा पूरा सामान भरा था, बियर वगैरह जो भी है, इंग्लिश में दारू वगैरह सब थी। गाड़ी तो एक खड़ी थी, उसके पीछे एक दूसरी गाड़ी थी बलेनो के कुछ वगैरह थी। नंबर तो मैंने नोट नहीं करा फिलहाल। तो वो गाड़ी स्टेपनी लेके आई थी, उसमें माल क्रॉसिंग कर रहे थे, उनको हमने रोका तो भाग रहा था, लेकिन उसकी चाबी छीन ली, उसको रोक लिया हमने। बोलेरो टायर पंचर था, उसमें गाड़ी पीछे बोलेरो लगी थी, उसमें बोलेरो में दारू था और वो ये बोलेरो में दारू था और बोलेरो में क्रॉसिंग कर रहे थे और वो लोग पुलिस की देरी की वजह से भाग गए। कितने लोगों की थी? 5। पुलिस कितनी देर आई थी फोन लगाने में? 1 घंटा। 1 घंटा दूरी पड़ती है थाने से लोकेशन जो? 12 किलोमीटर, 10-12 किलोमीटर। कितनी देर का समय लगता है वहाँ से पहुँचने? 10-15 मिनट। कल वहाँ ग्रामीणों की सूचना और पुलिस की कार्रवाई में दो वाहन पकड़े, एक में 36 पेटी शराब थी जिसपे 34 दो आबकारी एक्ट का प्रकरण बनाया गया और एक वाहन में 3 पेटी शराब मिली जिसपे 34 आबकारी का प्रकरण बनाया गया। सर कौन कौन से वाहन थे? एक बोलेरो है और एक बलेनो है। सर किसका माल था और क्या कोई परमिट वगैरह था इतनी भारी मात्रा में शराब की परिवहन हो रहा था? ये चूँकि उस समय उसमें वाहन चालक मिला नहीं है और उसकी तलाश कर रहे हैं, विवेचना में पूरी चीज़ें क्लियर होंगी क्योंकि विवेचना में आगे आएगा, उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर अभी माल कहाँ पर जाएगा या थाने पर रहेगा? माल अभी मालखाने में जमा है और वो जांच के लिए भेजा जाएगा। सर कितने का माल होगा ये करीब? ये माल लगभग 1 लाख के आसपास का है। सर ग्रामीणों ने आरोप लगाए कि वहाँ पर उस वक्त पर कुछ लोग भी मौजूद थे जो कि देरी की वजह से भाग निकले वहाँ से और ग्रामीणों पर उन्होंने मारपीट करने के लिए धमकी वगैरह। ऐसी मेरे पास कोई भी शिकायत नहीं आई है। सर कितनी बजे का मामला हुआ ये? रात में लगभग 1 से 1.5 बजे के आसपास। सर लोकेशन क्या रही होगी? काय की लोकेशन? जो वाहन पकड़े गए उनकी लोकेशन? सर किस लोकेशन पर पकड़े थे? ये AB रोड पर
बरू फाटक से पहले अभी रोड। सर वाहनों के कोई नंबरों की जानकारी? वाहनों के नंबर FIR में खुलासा किया है, वाहनों के नंबर है। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट ठीकरी। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।